जब कोरोना वायरस की वजह से भारत में पहला लॉकडाउन लगा था, तब ऐसा लग रहा था कि मानो हर एक चीज अपने जगह पर रुक सी गई है। लोग जहां पर काम कर रहे थे वहां से लोग अपने घरों के लिए निकल पड़े। लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग कोरोना वायरस में मर रहे थे, हालत बेकाबू होते जा रहे थे, जिसकी वजह से लॉकडाउन को देश भर में और दिन के लिए बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए थे। इन सबके बीच कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त के बाद अच्छे दिन भी आते हैं, और कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। लोग अपने घरों से निकल कर अपने काम पर जाने लगे, हर एक चीज धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। लेकिन फिर अचानक से एक बार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे और एक बार फिर से देश भर में लॉकडाउन करना पड़ा। लेकिन इस बार कोरोना वायरस और भी खतरनाक हो चुका था, जिसकी वजह से कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन लेने में भी दिक्कत हो रही थी, जिसका बेनिफिट मिला ऑक्सीजन गैस बनाने वाले कंपनियों को, जिसको आज कंपनियां वाले उन्हीं ऑक्सीजन को महंगे दामों में बेच रहे हैं। तो चलिए एक बार समझते हैं कि ऑक्सीजन गैस को बनाते कैसे। ऑक्सीजन गैस को क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है, और इस प्रोसेस में एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा को फिल्टर किया जाता है, क्योंकि अर्थ की एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% ऑर्गन होते हैं, बाकी सारे गैस मिक्स होते हैं। तो सबसे पहले इन सब गैसों को अलग करने के लिए इनको फिल्टर किया जाता है, ताकि धूल मिट्टी को हटाया जा सके। उसके बाद कई स्टेप में इस हवा को कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद कंप्रेस हो चुकी हवा को मॉलिक्यूलर छलनी से फिल्टर किया जाता है, ताकि हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग किया जा सके। इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद कंप्रेस हो चुकी हवा को डिस्टिलेशन कॉलम में भर दिया जाता है, जहां इसे ठंडा किया जाता है। यह प्रोसेस एक प्लेट फाइल, हीट एक्सचेंजर और एक्सपेंसिव टर्बाइन के जरिए होते हैं, जहां पर ऑक्सीजन को -185 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे ठंडा किया जाता है, जिससे उसे डिस्टिल्ड किया जाता है। डिस्टिल्ड एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पानी को उबाला जाता है और उसकी भाप को कॉन्डेंस करके जमा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जैसे गैस अलग हो जाती है। इस प्रोसेस के बाद लिक्विड ऑक्सीजन गैस बनता है, जिसका यूज हम करते हैं। देन जब ऑक्सीजन बाकी सब गैसों से अलग हो जाता है, तो उसे एक प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर में भर दिया जाता है, और जरूरत के मुताबिक उनकी सप्लाई लोगों तक कर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और नीचे कमेंट के जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।